साल में आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का ओवीए का फाइनल पार्ट को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ, पार्ट 4 को। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चांस की सपने में हमारा फेक एमसी एक सीट के ऊपर मानो एक किंग की तरह बैठा हुआ रहता है और उसके सामने चांस चेंज कर रही होती है और चांस बोलती है इची का तुम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो। तभी हमारा फेक एमसी उठकर चांस की कपड़े फाड़ देती है और तब भी साइड से हमारा ओरिजिनल एमसी वहां पहुंच जाता है और हमारा ओरिजिनल एमसी बोलता है सीरियसली तुम ये सब क्या कर रहे हो। और हमारे एमसी को देख के वो जो फेक एमसी रहता है वो भी स्माइल करता है और वो अपनी तलवार लेकर हमारे एमसी के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी हमारे एमसी उसे धक्का देकर पीछे हटाकर उसके ही तलवार लेकर उसे मार देता है। तभी वो डिसअपियर हो जाता है। तभी सीन फिर से वो लोग दरवाजे के बाहर चले जाते जहाँ पर चार्ल्स काफ़ी शांत रहती है और चार्ल्स बोलते हो जी सी जी क्या तुम मुझे देख रहे हो। और तभी चार्ल्स अपनी दो उंगली को लेकर हमारा एमसी की दो आँख में मारता है और एमसी की आँख में काफ़ी ज़ोर से लगता है। तभी हमारे एमसी बोलते बहुत ज़ोर से लगा है और तभी चार्ल्स बोलते सॉरी लेकिन तुमने ही तो मुझे ये कपड़े पहनने के लिए बोला था, तुमने मुझे ये उतारने के लिए भी बोला था। तभी मैंने एमसी बोलता मैं कितने बार बोलूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और जो ये सब तुमसे कह रहा था वो मैं नहीं था। फिर सीन चलाया था उर्मिला सेंसे की तरफ जहाँ पर वो उसके ओपोनेंट के साथ बड़े ही आसानी से फाइट कर रही होती और तभी उर्मिला सेंसे एक रस्सी लगा के उसके ओपोनेंट के गल में बांध के उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो रस्सी बर्न हो जाता है, जल जाता है। और उर्मिला सेंसे बोलती है कि तुम बस अपनी एब्सोल्यूट डिफेंस के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट हो, इसी वजह से तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफ़ी स्लो है। और तभी वो आईएएस पहनी हुई उर्मिला सेंसे की अपने उर्मिला सेंसे के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो देखती है कि उर्मिला सेंसे मानो गायब हो गया। और तभी उर्मिला सेंसे उसके पीछे से उसे बहुत ही ज़ोरदार लात मारती है, वो साइड में गिर जाती है और वो तभी उड़ भी जाती है और बोलती है कि सच में तुम्हारा फिजिकल एबिलिटी तो काबिले तारीफ है। तभी उर्मिला सेंसे बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ बस उस अनमैन आईएएस के लिए आए हो। और तभी वो लड़की डायरेक्ट जाकर उर्मिला सेंसे के ऊपर हमला करती है और बोलती है ये लो और एक धमाका होता है। उर्मिला सेंसे डायरेक्ट जाकर नीचे गिर जाती है और तभी वो लड़की अपने हाथ की तरफ देख कर बोलती है कि ये तो। और तभी वो देखती है कि उसके आसपास काफ़ी सारे तलवार गिरा हुआ रहता है और उर्मिला सेंसे बोलती है कि ऑब्लिट्रेशन वेव और एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। और तभी उर्मिला सेंसे खड़ी हो जाती है और उर्मिला सेंसे सोचती है कि शायद ये सब खत्म हो गया और वो जाने लगती है। तभी पीछे से फायर कोड चीरते हुए वो लड़की फिर से बाहर आ जाती है, बोलती है ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर सीन चलाया जाता है लौरा के सपने में जहाँ पर फेक एमसी हमारे लौरा को बोल रही होती है कि अब तक तुम एक एप्रॉन पहन ही चुकी हो तो क्यों ना कुकिंग भी कर लो। और तभी साइड से ड्रायर खोल के हमारा एमसी आ जाता है। हमारा एमसी बोलते हैं तुम लौरा के साथ क्या कर रहे हो और हमारा एमसी उसकी चाबुक लेकर उसे मारता है और फेक एमसी गायब हो जाता है। तभी हमारा एमसी और लौरा फिर से दरवाजे के बाहर आ जाता है और तभी हमारा एमसी लौरा की तरफ देखते हैं जहाँ पर लौरा बस सो ही रही होती है। और हमारा एमसी बोलता है कि अभी जब ये सो रही है तो ये कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, हाउ क्यूट। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब बस होके ही बची है। और तभी हमारा एमसी की साइड में बहुत ही बड़ा बक्सा आ जाता है और कांसा की सैन फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाती है और कांसा की सैन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास वेपन तैयार करके भेजा है, तुम उसे पहन लेना, होके की विजन तुम्हारे लिए शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तभी मैंने उनसे बोलते हाँ लेकिन ऐसा क्यों। तभी कांसा की सैन बोलती है शायद सच में काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ हो। फिर सीन चला जाता है उर्मिला सेंसे की तरफ जहाँ पर उर्मिला सेंसे के ऊपर उसके ओपोनेंट हमला कर रही होती है लेकिन उर्मिला सेंसे डॉच करते करते उसके ओपोनेंट की तरफ एक लात मारती है और तभी उर्मिला सेंसे थोड़ी पीछे आ जाती है और उसके ओपोनेंट उसके पीछा करने लगती है और तभी वो एक अलग से रूम में पहुँच जाती है। तभी उर्मिला सेंसे बोलते अब तुम्हारा टर्न है माया। और तभी हमें एक लाइट फोकस होता दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यमदा सेंसे एकदम अपनी आईएएस का वेपन्स को एकदम एक्टिवेट करके मानो एकदम तैयार है। और यमदा सेंसे बोलती है कि इतना हिट में नहीं ले सकती, जल्दी से मेरे किचन से बाहर चले आओ। और यमदा सेंसे बड़े ही जोरदार फायर करती है उस आईएएस के ऊपर और तभी वो लड़की जो आईएएस के अंदर होती है वो एक शील्ड एक्टिवेट करती है और उस फायर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अच्छी तरीके से रोक नहीं पा रही होती है। तभी यमदा सेंसे स्माइल करती है और चली जाती है। फिर सीन चलाया जाता है हॉकी की तरफ जहाँ पर हॉकी के सपने में एक केंडो फाइट हो रहा होता है उन्हें फेक एमसी और हॉकी के बीच में और फेक एमसी जीत जाता है और फेक एमसी बोलता है कि तुम सच में काफ़ी बढ़िया हो गए हो इस गेम। तब हॉकी बोलते हैं हाँ तुम भी। और तभी हॉकी मन में ही सोच रही होती है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम क्या शिनोनन फैमिली में शादी करना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड से हमारा ओरिजिनल एमसी आया जाता है जो कि केंडो सूट ही पहना हुआ रहता है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता और हमारा ओरिजिनल एमसी बोलता है मैं यहाँ इचिका से फाइट करने आया हूँ। तभी हॉकी बोलते क्या
तभी हमने ओरिजिनल एमसी बोलते क्या यहाँ पर उर्मिला इची का है, तभी होगी स्माइल करती है और बोलती है ओ, और फिर सीन चलाया जाता है एक स्पेस में जहाँ पर उस लड़की को हमें फिर से दिखाया जाता है जिसे इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, जो कि होकी की बड़ी बहन के लिए काम करती है। वो बोलती है ये थोड़ी अजीब है, सीनो सैन की अगेंस्ट उर्मिला इचिका कुछ कर क्यों नहीं गया है, मतलब ओरिजिनल उर्मिला इचिका। फिर सीन चला जाता है होकी के सपने में जहाँ पर किंडो फाइट हो रहा होता है फेक इचिका और ओरिजिनल इचिका के बीच में, जहाँ पर फेक इचिका जीत रहा होता है और हमारे एमसी हार नहीं मानता, हमारे एमसी जितने बार ये नीचे गिरता है वो उतने बार ही उठ कर खड़ा हो जाता है। ये देख के होकी शॉक हो जाती है, होकी बोलती है कि ये चल क्या रहा है, ऐसे तो ये कभी इचिका को खड़ा नहीं पाएगा। तो ये फिर भी इतने बार गिर रहा है लेकिन ये फिर भी खड़ा हो रहा है, ये बंदा है कौन? तभी होकी सूट के अंदर देख लेती है और वो शॉक हो जाती है, वो देख लेती है कि वो ओरिजिनल एमसी इचिका होता है और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर फेक इचिका होता है, हिट मारता है और तभी होकी बोलती इचिका, और तभी एक ब्राइट लाइट होता है और होकी बाहर आ जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर नहीं, होकी जैसे ही अपने आँख खोलती है वो देखती है पूरा रियल वर्ल्ड में ही वो होती है और उसके सामने बाकी सभी भी होते हैं, इसलिए लौरा, रीन, चार्ल्स, और वो लोग बोलते होकी तुम जाके, तभी होकी बोलते हाँ तुम लोग। तभी सीन हमें उस लड़की की तरफ फिर से दिखाया जाता है जिसे हमें होकी की बड़ी बहन के साथ एपिसोड की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया, तो वो लड़की एक अजीब सी जगह पे जाती है और बोलती है कि तो ये है सिस्टम कोड, और वो देखती है कि एक बड़ी सी पत्थर के अंदर एक लड़की मानो कैद है, और वो बोलती है कि तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तामाने सर ने बोली थी, ये उर्मिला चिफियोनी की पर्सनल IAS की कोड है कुरीसाकुरा। और तभी वो टच करती है उस लड़की को और तभी एक बहुत ही ब्राइट से रोशनी चमकता है, फिर सीन चला जाता है होकी की तरह, होकी बोलती है कि अच्छा तो हम लोगों के ऊपर वर्चुअल वर्ल्ड में अटैक किया गया था, तभी रिन बोलते हाँ इचिका ने जाकर हम लोगों को बचा लिया था, तभी सिसिला बोलते हाँ उसने तो हम लोगों को बचा लिया और उठा भी लिया लेकिन अब वो खुद सो गया है और उठ नहीं रहा है। और जैसे ही हमारे एमसी अपने सपने में आँख खोलता है वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर ही होती है जो सिस्टम कोड में गई होती है, तो हमारे एमसी बोलते क्या तुम लौड़ो, तभी वो लड़की घूमती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है क्रोनी क्रोनिकल, मेरी मास्टर ने जो मुझे करने के लिए कहा तो वो मैंने कर दिया, तो अब मैं चलती हूँ, ये बोल के वो गायब हो जाती है। तभी हमारे एमसी बोलते है रुक जाओ अब मैं क्या करूँ, तभी हमारे एमसी पीछे देखता है कि होकी खड़ी रहती है, तभी सीन बाहर चला जाता है जब एमसी बस ऐसे ही लेटा रहता है, वो अभी भी उठा नहीं होता है, तभी रिन बोलती है कि वो उठ क्यों नहीं रहा है, तभी सिसिला बोलती है क्या उसे भी हम लोगों की तरह अटैक किया गया है वर्चुअल में, तभी कांजे किसान बोलते हैं नहीं सिस्टम को तो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, तभी चार्ल्स बोलते हैं तो फिर क्यों, तभी लौड़ा बोलती तो हमें इसे किस करना पड़ेगा, तभी रिन बोलते तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, तभी लौड़ा बोलती है कि सीरियसली तुम्हें ये नहीं पता, एक किस से ही एक खूबसूरत वाइफ नींद से जागती है, तभी रिन बोलती कि तुम्हें इसे पहले ही शूट कर देना चाहिए था, तभी सिसिया बोलती है रुको एक मिनट अभी के लिए पहले डिस्कस तो कर लो इसे डिसमिस करने से पहले, तभी होकी बोलती है कि ये तो काइंड CPR की तरह है ना, तभी चार्ल्स बोलते हाँ अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा मैं भी करूँगा, और ये सब जब बात कर रहे होते हैं तभी दूसरे तरफ कांजा के सैन एमसी को किस करने ही वाली होती है, तभी साइड से होकी और लौड़ा कांजा के सैन को पकड़ के पीछे ले आती है, और तभी कांजा के सैन बोलते हैं रुको ये बस तुम जैसे सोच रहे हो तुम लोग वैसा नहीं है, मैं तो बस जल्दी से काम ख़त्म करना चाहती थी और उसे जगाना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई वर्चुअली अटैक हो जाए, और तुम लोग जैसे बात कर रहे थे मानो तुम लोग डिसीजन कभी ले ही नहीं पाओगे, मैं ओरिजिनली एक रिस्क ले रही थी, मैं ये तुम लोगों के ऊपर फोर्स तो नहीं करना चाहती इसलिए मैंने ये खुद ही किया, तभी रिन बोलते इतना बड़ा लेक्चर दिया और सब एक फालतू की चीज़ें बोला, तुम तो सिसिली जैसे भी ज़्यादा घुमा के बात करती हो, तभी सिसी ने बोलती हाँ सच में, तभी सिसी ने बोलती क्या तुमने अभी क्या कहा लिंग, तभी कांसर किसान बोलते लेकिन मैं ही बस एक लौती बची थी जिसको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ वर्ल्ड पिक से, तो मैं भी वो सब कुछ करना चाहती थी जो लिंग ने किया, और तभी लिंग बोलते चुप हो जाओ, लिंग जल्दी से जाकर जम करके एक लात मारती है जम करके जो डायरेक्ट जाकर उर्मिला सेंसे को लगती है, और उर्मिला सेंसे तभी आ गई होती है असल में रूम में और बोलती है कि तुम लोग इतना नॉइज क्यों कर रहे, और उर्मिला सेंसे को डायरेक्ट जाकर रिन लात मारती है और रिन गिर जाती है, उर्मिला सेंसे को कुछ नहीं होता और सभी लोग एकदम डर जाते हैं, और उर्मिला सेंसे स्माइल करती है, और दूसरी तरफ तभी हमारे एमसी नींद से जाग जाता है, हमारे एमसी बोलते मैंने अभी सपनों में देखा कि रिन मर गई है, और तभी हमारे एमसी जैसे ही अपने राइट साइड में देखता है वो देखता है कि टेंटेशी तभी कपड़े पहन लेती है, और तभी हमारे एमसी छुप जाता है, हमारे एमसी बोलता है सॉरी, तभी टेंटेशी कपड़े पहन के बोलती है कि हाँ तुमने देखा हाँ, तभी हमने एमसी बोलता है हाँ वैसे तुम्हारा इंजुरीज का क्या हालत है, तभी टेंटेशी हमने एमसी के साइड में लेट जाती है और हमने एमसी बोलता तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो, तभी टेंटेशी बोलती है क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ,
तभी ऑडियंस ही बोलता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे टेंडेज ही बोलती मैं चाहती हूँ तो मेरे साथ भी वो सब करो जो उसके साथ किए थे बाकी लोगों के साथ। तभी हमारे एमसी बोलते क्या, टेंटेसी बोलती है कांजेकी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम वर्चुअल रियलिटी काफ़ी कुछ किए हो बिना मेरी परमिशन लेकर या फिर स्टूडेंट काउंसिल का। तभी हमारे एमसी बोलते नहीं वो तो एक ट्रैप था। तभी टेंटेसी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और बोलते थैंक्स इसी गया तुमने मुझे बचा लिया था। तभी हमारे एमसी बोलते अरे चिंता मत करो। तभी टेंटेसी बोलती है मुझे खुश करती है पता है। तभी हमारे एमसी बोलते अच्छा ठीक है समझ गया। और तभी कुछ देर और शांत रहने के बाद टेंटी जी बोलती है इचिका तुम्हें पता है मेरा नाम टेंटी जी क्यों पड़ा, क्योंकि मैं सारासा की फैमिली की नेक्स्ट हेड बनने वाली हूँ इसीलिए मेरा नाम टेंटी जी दिया गया है। लेकिन मैं बस तुम्हें अपनी असली नाम बताना चाहती हूँ। और तभी टेंटी जी बोलती है कि मेरी असली नाम है सारासा की काटना। और ये जैसे ही हमारा एमसी सुनता है हमारा एमसी तभी उठता है लेकिन तभी देखता है कि उसके साइड में कोई नहीं है। और फिर से शाम के टाइम में हमें दिखाया जाता है कि एक कैफेटेरिया में क्रोनी क्रोनिकल बैठ कर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी सामने से उर्मिला सेन से आ जाती है। उर्मिला सेन से बोलती है क्या मैं बैठ सकती हूँ। तभी वो बोलती है कि उर्मिला चिफ हो नहीं। तभी उर्मिला सेन से बैठ जाती है और बोलती है कि तुमने पिछले ही दिन मेरे लड़कियों का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, कितना अच्छा ट्रिक था टाइम लेने के लिए। तभी उर्मिला सेन से बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि जाकर तावाने को बोल देना कि अपनी नाक उस जगह पर ना घुसा जहाँ पर वो बिलोंग नहीं करती है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी उर्मिला सेन से बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मुझे पता है तुमने सिस्टम कोर में कुछ तो किया है। तभी वो लड़की अपनी तलवार निकालती है। तभी उर्मिला सेन से बोलती है चिंता मत करो तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकती, कम से कम अपनी कॉम्बैट स्किल से तो नहीं। तभी वो लड़की अपनी आँख खोलती है, एक अजीब टाइप का आँख होती है उसका और एक पूरा मतलब चेंज हो जाता है, सराउंडिंग चेंज होता है, एक वाइट टाइप का कुछ हो जाता है। उर्मिला सेन से बोलती है कि बायोलॉजिकल आयस हाँ ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, वर्चुअल वर्ल्ड में तुम कुछ भी कर सकती हो एक इंसान की माइंड को लेके, और ये सब करने के लिए तुम उस मॉलिक्यूल्स को भी यूज़ करते हो जो सराउंडिंग्स में होते हैं, काफ़ी बढ़िया। और तभी एक तलवार मारती है वो लड़की और उर्मिला सेन से बढ़िया आराम उस तलवार को अपने हाथ से हटा देती है और उस तलवार को लेकर ही वो दीवार में मारती है और फाड़ देती है दीवार और बोलती है क्या मैं अब तुम्हारी आँख बाहर निकालूँ। और ये सुन के वो लड़की डर जाती है काफ़ी ज़्यादा। तभी वो लड़की फिर से बैठ जाती है शांत होके और उर्मिला सेन से बोलती यही करना सही डिसीजन था, फिर मिलते। और उर्मिला सेन से जैसे जाने वाली होती तभी उर्मिला सेन से रुक के बोलते बाय द वे तुम अपनी छोटी बहन से मिलना नहीं चाहोगे। तभी वो बोलती है कि वो मेरी छोटी बहन नहीं है, वो है जो मैं कभी नहीं बन सकती, द कॉम्प्लीट फॉर्म ऑफ लॉरा बोर्डविक, वो एक एंटिटी है जो मैं क्रॉनिकल नहीं हूँ। और ये सुनकर उर्मिला सेन से बोलते अच्छा। फिर उर्मिला सेन से जैसे ही जाने वाली होती है वो जाते जाते सोचती है अपने मन में कि मैं और कभी नहीं हारूंगी तावाने, और ये बोल के वो चली जाती। इधर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है ओवीए का। तो हाँ यही आए सिम्फनी स्टेटस का फाइनल ओवीए था। इसके बाद भी एक है वेडिंग नाम का जो कुछ खास नहीं है क्योंकि उसमें कुछ सीन्स ही नहीं है, उसमें से बातें किया गया है मतलब वॉइस ओवर दिया गया है, तो वो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो अच्छा भी नहीं है और वो कैनॉन भी शायद नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को आई सिम्फनी स्टेटस का जर्नी कैसा लगा यार, पूरा स्टार्टिंग से सीज़न वन से स्टार्ट किया था या पूरा सीज़न टू की ओवीए तक ख़त्म किया सभी एपिसोड्स। तो हाँ शायद नेक्स्ट वीक में मैं एक ब्रेक लूँगा मंडे को, नेक्स्ट वीक में कोई नया एनिमे तो नहीं आएगा शायद से, मैं अभी कन्फर्म से नहीं बोल सकता। तो मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा मेरे ख्याल से मैं पोल कर दिया रहूँगा, तो पोल में जाके कम्युनिटी पोस्ट में पोल में जाके आप लोग वोट कर दीजिए इस एनिमे को आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ हिंदी में, जो भी आपका दिल चाहे उसी को वोट कर दीजिए। और हाँ इन्वेटर्स ऑफ द रोकोजुमा एपिसोड 5 भी आता रहेगा, ये कुछ दिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं आईएस एनिमेटेड स्टेटस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा था। तो हाँ वो जैसा वीकली आता है वो वैसे ही वीकली आएगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय सी या।